वासरूप स्त्रियां तत्व बोध देंगे। पृष्ठ संख्या दो में अपवाद नित्यम बाधे प्राप्त है क्वचित उत्सर्ग से प्रवृत्थम विदम सूत्र। अपवाद जो प्रत्यय हैं उनके अंदर उत्सर्ग प्रत्यय जब नित्य ही बाध होना प्राप्त होता है तो कहीं कहीं पर उनको दोबारा उत्सर्ग की प्रवृत्ति का अवसर देने के लिए ही यह सूत्र आरंभ किया गया है। अतएव अचयत रिहलोर्ण्यत इत्यादि अपवाद विषय तव्यदादियोपि प्रयुज्यन्ते। अचयत तव्यत आदियों का अपवाद था, नियत होने के बाद तव्यत भी हो जाएगा, भव्यम भवितव्यम दोनों बन जाएंगे, कार्यम कर्तव्यम करणीयम, वाच्यम वक्तव्यम इत्यादि परिभाषिति। इन्हें सूत्र नियम सूत्र नहीं है किंतु परिभाषा सूत्र है। सभी अधिकार में वा चला जाएगा, इसी तरह उन सभी सूत्रों में अपवाद सूत्रों में वा जुड़ जाएगा। परिभाषिति अधिकार सूत्र में स्वीकृत है तो स्त्रीधिकारेण विच्छेदात वासर्प सूत्र अप्रवृत्तिया आसित्वा भुंक्ते आस्यते भोक्तुम इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति। यदि इसको अधिकार सूत्र मान लेते फिर तो स्त्रीधिकार में जो आते हैं उसका विच्छेद कर दिया अस्त्रियाम करके आपने, तो वासर्प सूत्र की उनमें प्रवृत्ति होगी नहीं, तो आसित्वा भुंक्ते आसिते भोक्तुम इत्यादि रूप प्रयोग नहीं हो पाएंगे। क्यों? ये ही भोजनार्थित्वाद आसन से पूर्व काल अत्यगम्य, भोजन के लिए होने के कारण से आसन जो है पूर्व कालीन मालूम होता है। क्त्वा प्रत्ययश्च तुमर्थाधिकाराद भावे भवति, क्त्वा प्रत्यय जो है तुमर्थ अधिकार वाला होने से भाव में होता है। लकारो भी तत्रैव, लकार भी उसी अर्थ में हो रहा है। समान विषयत्वाद उभयोर बाध्यपाधक भाव सियात, समान विषय होने से दोनों के बीच बाध्यपाधक होने लग जाता। किंच इतना ही नहीं और दोष अधिकार सूत्र मानने में, वर्णात्कार उत्सर्ग सूत्र है, वर्णवाचकों से अकार इकार उकार रूप बनाते हैं, कार प्रत्यय होता है। सच रादिफ इत्यनेन बाध्यत, अनेन बनाना है इसको, रादिफ इस सूत्र के द्वारा वर्णात्कार के कार प्रत्यय को बाध किया जाता है। न चिष्टापति होवे, रेफा ही बनना चाहिए, रकार नहीं बनना चाहिए, र से इफ प्रत्यय होगा ना, रेफा बनेगा, हाँ रकार नहीं बनेगा फिर यदि बाद मानोगे तो। इन प्रयोग होता है रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती इत्यादि प्रयोग विरोधात, महाकार प्रत्यय हो रखा है। अमुमेव अर्थम मनसि निधाय हरदत्तादि भी परिभाषायम इत्युक्तम, इन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पदार्थों को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए हरदत्तादियों ने इस सूत्र को परिभाषा सूत्र कह दिया था। ये तेना जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वह पहुँच जाएगा परिभाषा सूत्र होने से। शकी लिंग च इति ज्ञापकात् वासर्विदेर अनित्यत्वेन, इतने शकी लिंग च, लिंग का विधान कर, लिंग अर्थ पे तवे तव्यारे हो रहा है, लिंग भी वो कह दिया या विकल्प हो ही गया, लिंग विधान करना व्यर्थ है। शकी च इतने कहना पर्याप्त था, लेकिन लिंग जो का वह जो है पाणिनि ज्ञापन करता है वासर्विधि जो है अनित्यत्वेन। स्त्रीधिकाराद उत्तरेषु क्ता ल्युट तुमन खलर्तेषु वासर्विधिर नास्ति, स्त्रीधिकार से आगे में जो प्रत्यय होंगे क्ता प्रत्यय है ल्युट है तुमन है खलर्त है उन प्रत्ययों में वासर्विधि लागू नहीं होता। इस सिद्धांत उनका वह सिद्धांत भी अनित्यता के आधार पर संगच्छते इति दिख। वासरूप व असरूप क्यों निकाल, असरूप अकार अवच्छेद कर रहे हैं ना आप, ये क्यों निकाल रहे, वा स्वरूप रख दो, असरूप क्यों कह रहे हो? कहते देखो इतने असरूप यदि छेद, यहाँ असरूप छेद करना है ठीक है, अन्यथा लाघवे विशेषाभावे न असंदेहाय च स्वरूप वा सूत्र बनाना चाहिए। तीन चीज बता दिया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वा स्वरूप करो या स्वरूप वा करो, क्या फर्क पड़ना है? और दूसरी बात कहते हैं असंदेहाय च, संदेह भी नहीं रह जाता है, इसलिए सर्पवा कहना ही लागव था।
लेकिन वासरूप कहने का मतलब पाणिनि का वह अस्वरूप छेद करना ही उचित है। इति प्रत्याशयन अस्वरूप छेद हो अस्वरूप किम कर्मण्यन्ति उत्सर्ग आतो अनुपसर्ग का अपवाद उत्सर्गयाण अपवाद का दोनों में अबचता है, ये नित्य दूसरा कित है, लेकिन दोनों बचा आ वो स्वरूप है, अस्वरूप नहीं है, वह विकल्प नहीं हुआ। इसलिए सतु उत्सर्ग से नित्यम बाद को सियात वह नित्य है, वह जो कप्रत्यय है वह नित्य उत्सर्ग अण को बाधना चाहिए, इसलिए अस्वरूप कह दिया गया। दृष्टांत क्या है? गोदह कम्बलदह इत्यादि। न चे कृत्य पे अस्वरूप ग्रहणे अणकोरअपि अस्वरूपत्वात् नेष्ट सिद्धिर इतने चवाच्य। पूर्व पक्ष कह सकता है आप अस्वरूप ग्रहण कर लो तो भी जो अनुबंध है, अनुबंध को लेकर ये भी तो अस्वरूप है। एक में नकार अनुबंध है, दूसरा ककार अनुबंध है, अनुबंध दृष्टिया दोनों अस्वरूप हो गए। भले अवशिष्ट दृष्टिया दोनों स्वरूप है, इन अनुबंध सहित देखेंगे तो दोनों भी रूप है, अस्वरूप है, इसलिए आपकी इष्ट सिद्धि इससे नहीं हो सकती। ऐसे आशंका किया, याद दिला रहे ऐसा मत कहो, क्योंकि नानुबंध कृतम असारूप्यम इति सिद्धांतात् नानुबंध कृतम असारूप्यम, असारूप्यता अनुबंध को लेकर निश्चय नहीं होता है। स्वरूप के अस्वरूप है ये अनुबंध को लेकर के आप निर्णय नहीं करेंगे, अनुबंध के बाद जो अवशिष्ट रह जाता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा ये स्वरूप की अरूप है अस्वरूप है। अस्त्रियाम इत्यत्र स्त्री शब्द स्वर्यते, स्त्री शब्द में स्वरित चिन्ह दे दिया गया, इसलिए स्वरित करने से क्या स्वरित है ना चाह अधिकार अवगति, स्वरित का स्वरित चिन्ह के कारण से अधिकार का निश्चय हो जाता है। इत्याशेना स्त्रीधिकारोक्तम विना इति तेना स्त्रियां तिम इत्युत्सर्ग अप्रत्यादिति अपवादो नित्यम बाधते। स्त्रियां तिन में क्या बचता है? ती अप्रत्यय से अ हो रहा है, ती हो रहा क्या है? अस्वरूप है, अति विकल्प से होना चाहिए ना, लेकिन यह नित्य बाध देगा, अप्रत्यय तिन प्रत्यय को नित्य बाध देगा। चिकीर्षा जिहीर्षा इत्यादि नित्य ही बना। नन वस्त्रियाम इत्यत्र स्त्री शब्द से स्वरितत्व प्रतिज्ञाय स्वरतेनाधिकारावगतिरित्यादि व्याख्याम विहाय स्त्रियाम अभिधेयायाम वासविधिर्न इति स्त्रियाम इत्येवम शब्द उच्चारि विहिते वासविधिर्न इति वा व्याख्यायताम इति चेत अत्र हो। पूर्व पक्षी कहता है वासरूप स्त्रियाम में अस्त्रियाम को स्वरित क्यों करना चाहते, केवल अस्त्रियाम क्या है बिना स्वरित का? बिना स्वरित का कहेंगे तो अधिकार नहीं रहेगा, जो कोई भी सूत्र में स्त्रियाम आया है वो सब आ जाएंगे, जहाँ जहाँ भी ये अधिकार को छोड़ के स्त्रियाम तीन के अधिकार में जो है वो तो आ ही गएंगे, उसके अलावा ही जो अन्यत्र स्त्रियाम कहकर आगे पीछे सूत्रों में जो कहा गया है वो भी सब संग्रह हो जाएगा। और पूर्व पक्ष कहना होने दो, सबको विकल्प कर डालो, क्या दिक्कत है? सुनो नन अस्त्रियाम इत्यत्र स्त्री शब्द स्वरितत्व प्रतिज्ञाय स्वरतेनाधिकार अवगतिर इत्याति व्याख्यायम विहाय, उस व्याख्या को त्याग दो, त्याग करके स्त्रियाम अभिधेयायाम जिस किसी भी सूत्र में स्त्रियाम कह करके जो कुछ भी विधान किया गया है उन सभी में ही वासरूप विधिर न इति स्त्रियाम इत्येवम शब्द उच्चार विहिते, उसका अर्थ निकलेगा स्त्रियाम ऐसे शब्द का उच्चारण करके, अधिकार नहीं इस शब्द को उच्चारण करके जहाँ कभी भी तो वह वा अस्वरूप विधिर न इति वा व्याख्याताम अथवा ऐसे व्याख्यान कर लो इति चेतत्र आहुः। स्त्रियाम अभिधेयाम वा अस्वरूप विधिर न ऐसा कह दो, अथवा स्त्रियाम ऐसे शब्द उच्चारण करके जहाँ जहाँ भी जो जो भी विधान किया गया है वहाँ सब जगह वा अस्वरूप विधिर लागू नहीं होगा, ऐसी व्याख्या कर सकते हैं चेतत्र आहुः। ऐसे करने से बहुत गड़बड़ होगा। स्त्रियाम वाच्यायाम इति पक्ष, स्त्रियाम वाच्य में से पक्ष लोग है लव्या लवितव्या यदि यतो विषय तव्यो न स्यात्, यत के विषय में फिर तव्यत नहीं हो पाएगा। तयोरपि यह स्त्रीवाचकत्वा दोनों स्त्रीवाचक है। स्त्रियाम से शब्दोच्चारण पक्ष है, अब दूसरा पक्ष लो वाच्यार्थ मत लो, स्त्रियाम में से बोल करके विधान क्या है मैंने सूत्र में स्त्रियाम होना चाहिए उसकी अनुवृत्ति आना चाहिए तब ऐसे यदि कहोगे तो व्यावक्रोशी व्यावकृष्टि रीति
कर्म व्यत्यार नचो विषय कृतिन न स्यात्, नच के विषय में कृतिन प्रत्यय नहीं हो पाएगा। द्वयोरपि स्त्रियाम इति उच्चार विधानात्, कि दोनों ही स्त्रियां पद उच्चारण करके विधान किया गया है। ततश्च स्त्रीधिकारोक्तम विना इति व्याख्या एव जायसी इति टिक। इस प्रकार से दोनों टीका हो गई, विशेष था इसलिए विस्तार से ले लिया। आगे अब यहाँ से जहाँ जरूरत वहीं थोड़े बहुत जाएंगे, जहाँ विशेष होगा तत्वबोधनी, नहीं तो बालरमा ही लिया जाए। कृत्या प्रथमा का बहुवचन है, एक ही पद है। अधिकारो यम नुड़ प्राक, और अधिकार सूत्र है ये नुड़ से पूर्व तक जाएगा। अब प्रश्न उठता है, नुड़ दो जगह आता है, एक तीसरा अध्याय के प्रथम पाद में है, एक तीसरे अध्याय के 3:3, 108। तब कौन से दो न्याय आते हैं, याद है? व्याप्ति न्याय और प्रथमोपस्थिति न्याय। ये कहाँ पढ़े थे? प्राग ऋश्वरान निपात, प्रथम खंड में आया था। प्राग ऋश्वरान, ऋश्वरान क्यों कहा पाणिनि ने? ईश्वरान कहते क्यों? प्रागीश्वरान, प्राग ऋश्वरान क्यों कहा? तब वहाँ क्या ईश्वरी तोषण को सुनो भी एक सूत्र है, और अधीर ऋश्वरी भी एक सूत्र है, और पाणिनि अधीर ऋश्वरी का र अधिक र को जोड़ के ऋश्वरान कह दिया, वो ज्ञापन किया अधीर ईश्वरी तक के अधिकार जाना चाहिए, उसे आगे ईश्वरी तोषण कुशल तक नहीं जाना चाहिए। वो ज्ञापन करता है इस उप व्याप्ति न्याय बोलते क्या, जहाँ अंतिम बार सुनाई देगा अष्टाध्याय में, नुड़ कहाँ सुनाई दे रहा अंत में, कहीं सबसे लास्ट वो 3-4 में, उसे आगे कहीं नुड़ आया नहीं, इसे 3-4 वाले तक जाना चाहिए व्याप्ति न्याय के अनुसार। यत्र यत्र नुड़ प्रत्यश्रुतः तत्र पर्यंतम अधिकार व्याप्ति का दिया, नहीं तुम तर तत्र वन नहीं, तो जहाँ जहाँ पर मूल प्रत्यय देगा वहाँ वहाँ तो इसका अधिकार जाना चाहिए, ये व्याप्ति न्याय कहता है। तो उसका बात देने के लिए प्रागवर्षाण ने निर्णय दिया, ने प्रथम उपस्थिति न्याय लेनी चाहिए। प्रथम उपस्थित कौन हो रहा है, यहाँ से शुरू करो अधिकार, कृत्या है 3:1, 95, यहाँ से देखते जाओ किस सूत्र में नूल पहले मिलेगा, सबसे पहले जहाँ उपस्थित होगा अनुवर्ण उसमें रुकना है, वो है आपका 3:1, 133 तक जाएगा अनुवर्ण त्रिजाऊ, वहाँ तक जाएगा, न कि 3:3, 108। व्याप्ति न्याय से कहाँ तक जा रहा है, 3:3, 108 तक जाने की संभावना थी। रोगाख्यायाम नुड बहुड़म, रोगाख्यायाम नुड बहुड़म सूत्र है, वहाँ तक जाने की संभावना थी व्याप्ति न्याय के अनुसार। उसको प्रत्याशक्ति न्याय या प्रत्योपस्थिति न्याय भी कहते हैं, प्रत्याशक्ति न्याय भी कहते हैं, प्रत्याशक्ति या प्रथमोपस्थिति न्याय। इस न्याय से हम 3:1, 133 में तक इसका अधिकार मानते हैं, 3:3, 108 तक नहीं जाएंगे, इसलिए अधिकार नुड़ा प्राप्त कर दिया। कर्तरीकृत कर्तरी सप्तमी का एक वचन, कृत प्रथमा का एक वचन, कृत प्रत्यय कर्तरी स्याद इति प्राप्त है। कृत संजय जो प्रत्यय है कर्तरी में ही होना चाहिए, अन्य किसी अर्थ में नहीं हो सकता, ऐसे जब प्राप्त हुआ तो स्वयं पाणिनि आगे सूत्र बनाते हैं, त्योरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयो सप्तमी का द्विवचन एव अव्यय तव्यत, यानी कृत्य त खलर्था प्रथमा का बहुवचन, 3 पद है। एते भावकर्मणो रेव स्यूरिति, एते मने कौन कौन, कृत्य संजक प्रत्यय, ता प्रत्यय और खलर्तक प्रत्यय, ये 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये तयो हो, त्योरेव ने कयोरेव भावकर्मणोरेव, भाव कर्मर्थ में ही होते हैं। खलर्थ वाले खलर्थ में जितने और भी प्रत्यार है वो सब ग्रहण हो जाए, नन बाकी जरूरत भी नहीं, कृत्य समूह संज्ञा है अपने आप, तो निश्चित है ही अर्थ उसका, कता तो निश्चित है, इसे उन दोनों में अनवेकर कोई प्रयोजन नहीं दिखता है, व्यर्थ है।
तव्यत्तव्यानीयरः तव्यत्तव्यानीयरः प्रथमा के बहुवचन धातु रेत्य प्रत्याशी हो, धातु से ये सब प्रत्यय होते हैं, कोई भी धातु लो तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। ये 3196 है, 3195 में कृत्य आता, ऐसे कृत्य का अधिकार से जुड़ गया और इन प्रत्ययों की संज्ञा हो जाएगा, कृत्य संचक प्रत्यय हो जाएंगे। अतः इनके ये प्रत्यय जो आपको भाव और कर्म अर्थ में होगा, कर्तने में नहीं होगा। तकार रेफो स्वरार्थ तव्यत में जत है अंत्य वाला वो तकार स्वर के लिए, तित स्वरिताम उसके लिए, और अनियर में जो रह है वह रेफ किस लिए, वो भी स्वरार्थ है, मध्यदात के लिए होता है, वह मध्यदात करने के लिए है, ऋत स्वर का उसको उपोत्तमम रीति सूत्र है, उपोत्तमम रीति उपोत्तम वर्ण को उदात का सूत्र है, सब बालवरम में आ रहा है। धातु रीति प्रत्याशियो तकार रेफौ स्वरार्थौ एधितव्यम एधनीयम त्वया प्रयोग कर, त्वया जान के दिखा रहे हम भाव और कर्म कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए। यदि कर्तृ में होता तो क्या होता, प्रथमा के एक वचन प्रकरण हो जाए ना, तृतीया नहीं हो सकती, फिर कर्ता में प्रथमा हो जाएगा यदि कर्तृ में होता तो, और कर्तृ में नहीं है ये कैसा पता चलेगा, इसे उन्हें साथ में त्वया प्रयोग कर दिया, त्वया एधितव्यम त्वया एधनीयम ये प्रयोग होता है। भावे औत्सर्गम एकवचनम क्लिबत्वंच, और भाव में हमेशा सामान्य तौर पर एक वचन होता है और नपुंसक लिंग होता है, कहीं कहीं पर पुल्लिंग भी प्रयोग होते हैं, यह कि नहीं होता है कि नहीं, शेषा प्रयोग होते हैं, शेषक क्या है भाव अर्थ में गए गुण हो गया है, शेषम भी प्रयोग होता है, शेषा भी प्रयोग होता है, इसलिए कहते हैं कि कोई औत्सर्ग सामान्यतया नियम है, ये भाव में जो प्रत्यय होते हैं वो एक वचन अंत ही हो रहेगा, द्विवचन बहुवचन चलेगा नहीं और क्लि भी होगा, क्योंकि क्रिया की सिद्ध अवस्था को बताने का नाम भाव होता है, वहाँ पर अनेकत्व नहीं हो सकता है, इसलिए द्विवचन बहुवचन नहीं होगा। चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया, वो भाव में क्या कर्मणी में दृष्टांत दे रहे हैं अभी, ये जो है कर्मणी में कर्म औत्सर्गिक माने सामान्य उत्सर्ग, उत्सर्ग और अपवाद होते हैं ना, सामान्य सूत्र और अपवाद, सामान्यतया नपुंसकलिंग और एकवचन रहेगा, कहीं कहीं पर अपवाद रूपेण आप देखेंगे उसको पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो सकता है, क्वचित सामान्यतः रहेगा नपुंसकलिंग और एकवचन। चेतव्यश्चयनीयो वा धर्म त्वया, धर्म ये जो प्रयोग किया प्रथमिक वचनांत कर्म है, और कर्त्री में तृतीया, इसे ज्ञापन हो गया एक कर्मणी में आया हुआ है प्रत्यय, पहले भाव का दृष्टांत दिया और कर्म के दृष्टांत में चेतव्य चयनीय, क्यों धर्म पुलिंग है, कर्मवाचक शब्द यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं वो पुलिंग में है, अतः उसका जो प्रयोग कृत्य प्रत्यांत भी पुलिंग हो गया। वार्तिक आदि आएंगे यहाँ तक कि पहले बालवर्मा देखिए, कृत्य संजय गायित्यर्थ तथा प्रैषाद्य सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च अरे कृत्य तृचश्च शकी लिंग च इत्यादिशु प्रवर्तते, इन सभी में प्रवृत्त हो जाएगा कृत्संजक प्रत्यय का। नुण प्रागति नुण त्रिचौ इत प्रागित्यर्थ एतच भाष्य स्पष्ट, इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इति प्राप्त कर्तरीकृत अर्थ निर्देशोयम इति प्राप्त इति वक्ष्यमाण त्रिवेदादि प्रत्यानां कृत्संजकत्वात् तेषां कर्तरी प्राप्तौ इत्यर्थ, वे भी सब कृत्संजक है, क्योंकि जितने कृत्य संज्ञा वाले हैं वे सब कृत संज्ञा वाले भी होते ही हैं, क्योंकि कृत के अधिकार के बीच में कृत्य का अधिकार आ गया, आते कृताधिकार में जो भी हैं कृत संज्ञा के वाले वो सब कृत्य संज्ञा बराबर हो गए दोनों के दोनों, लेकिन हमें अर्थ के निर्देश नहीं लेना है, कृत संज्ञा लेने का लाभ क्या है, कृत्य प्रत्ययों का भी कृत संज्ञा करने का लाभ क्या है, कारण है नहीं तो प्राप्त संज्ञा कौन करेगा, कृत तथ्य समासाश्च नहीं तो क्या करना पड़ता, कृत कृत्य तथ्य समासाश्च सूत्र बनाना पड़ता है, एक कृत संज्ञा वाले को अलग गिनाना पड़ता है ना, इनकी भी प्रसंज्ञा हो, अब कृत्य संज्ञा वालों को कृत संज्ञा भी मान लिया आपने तो कृत करने से काम हो गया, दोनों की प्रसंज्ञा हो जाएगी और क्या, वो भी कृत्य में आ गया, नहीं तो प्रसंज्ञा के लिए हमें अलग गणना करना पड़ता है प्रत्यय विशेष को, जैसे कृत को किया है तथित को किया आपने ग्रहण,
इसे कृत्य को भी ग्रहण करना पड़ता है। इसे जानकर कृत्य संज्ञा प्रत्यय जितने भी हैं उनको कृत के अधिकार में ही रख दिया, तो इनकी कृत संज्ञा हो जाएगी। कृत संज्ञा का लाभ हो जाएगा प्रासंज्ञा, और कृत्य संज्ञा का लाभ होगा यहाँ भी अर्थ नियम में त्योरे कृत्यर्थ। वक्षमाण त्रिवेदादि प्रत्यान कृत्संचकत्वात् तेषां कर्तरि प्राप्त इत्यादि लाकर्मणि च भाव चक्रम इति सूत्रोपात्ते भावकर्मणि तच्छब्देन परामृश्येत। ये देखो लाकर्मणि च भाव चक्रम सूत्र में जो भाव और कर्म जो शब्द श्रुत है, जो चौसे कर्त आ रहे उसको नहीं लेना, श्रुत का ही अनुवृत्ति करके उसी तत्शब्द के द्वारा परामर्श किया जा रहा है। तदा एते भावकर्मणोर इत्येवेति न तो कर्तरीति भाव वैशिष्टिकत्वादिव सिद्धे एवकारस्तु तवेदादीनां कृत्संचकतया प्राप्त कर्तृत्वस्य अभावम् अनुवदन् कृत्संचया वैशेषिक्या कृत्संचया अबाधम गमयति। लेकिन यहाँ पर भी यद्यपि यह सूत्र विशेष ही है, वैशेषिकता विशेष सूत्रों के नाते सिद्धे स्वतः सिद्ध है बाध्य बाधक भाव, फिर एव कार्य क्यों कहा, तेवर एव कहने का लाभ क्या है, किसका व्यावर्तन करना चाह रहे हैं, किस बात को व्यावर्तन करने के लिए कह रहे हो। कहते तवेदादी नाम कृत संचकतया प्राप्त कर्तृत्व से अभावम अनुवदन, तो प्राप्त कर्तृत्व के अभाव का अनुवाद करके साथ साथ यह भी कहना चाह रहे हैं यह कृत्य संज्ञा इनका जो हो रहा है वह कृत संज्ञा का बाधक नहीं है। यदि कृत संज्ञा बाध देगा फिर मुश्किल खड़ा हो जाएगा। कृत्य संज्ञा कृत्य जो संज्ञा है वह कृत संज्ञा का बाध अबाधम गमयति, बाध नहीं करते बोधि करा दिया। अच्छा दोनों संज्ञा रह गई, एक संज्ञा का लाभ पाठ संज्ञा करने के लिए, दूसरी संज्ञा का लाभ अर्थ निर्णय करने के लिए। तव्यत्व्यानियरिति एषां द्वंद्वः प्रत्याशरिति ते कृत्संचकाः कृत्यसंचकाश्च इत्यपि ज्ञेयम्। दोनों होंगे समझना चाहिए। स्वरार्थाविति तिस्वरितमिति उपोत्तमम रीति इति च। देखो तिस्वरितम तो स्पष्ट है, स्वरितम करके या उपोत्तम वृत्ति से क्या है इति च स्वर विशेषार्थौ इत्यर्थः। कौन सा स्वर नहीं कह रहे समझ लें, मध्योदात के लिए निर्मंदकस्तु तव्यस्य प्रत्ययस्वरेण आदिदातत्वम् एव इति बोध्यम्। और जो निर्मंदक है जो तव्य प्रत्यय वह आदिदात हो जाएगा। कैसे, प्रत्ययश्च ये सूत्र है ना, अधिकार सूत्र है, प्रत्यय वो कर ही रहा है उसी स्वर में आदिदात कर देते। सकल प्रत्यय सामान्यतया आदिदात्य होते हैं जब तक कोई बाधक ना हो। भाव उदारति ये तव्यमिति तत्कर्तृका एधन क्रिया इत्यर्थः। नम लकर्मणि चेत्यत्र असत्भूतस्य भावस्य ग्रहणम् तिंगवाच्य भावनायाः असत्रूपताया उक्तत्वात्। कहते आप यहाँ कैसे कर रहे हो, लकर्मणि च भावच सूत्र जो है असत्भूता भाव को ही ग्रहण करता है, और यहाँ तो सिद्ध अवस्था में सत्भूता भाव है, यहाँ कैसे लगा रहे हो उसको। तिंगवाच्य भावनायाः असत्रूपताया उक्तत्वात् तच तस्य भावस्य असत्रूपस्य अत्र तेवरीवकृति इति तच्छब्देन परामर्शात् तेवेदादिनाम असत्ववाचितया लिंग संख्या अन्वयो अनुपपन्नः। फिर आप कैसे कह रहे हो नपुंसकलिंग होगा, एकवचन होगा, और कर्मणी में जो है लिंग जो है प्रत्यय वचन ये सब जो है कर्म के ऊपर निर्भर होगा, क्रिया सत्वत्व हो ही नहीं सकता, सत्वम द्रव्य में हमारे मत में, और क्रिया द्रव्य थोड़ी होते, द्रव्य अधिष्ठित होता है। व्याकरण में सत्वम द्रव्यम यही कहा है ना, लिंग लिंग संज्ञान्वितत्व सत्वम, लिंग संज्ञान्वित का नाम सत्व है और सत्व का अर्थ द्रव्य है। यह आया है कहाँ, लघु सिद्धांत चादो सत्व सूत्र में अद्रव्य अर्थाश्चादो निपासंजास्यु कहा है वहाँ पर सत्वम द्रव्यम। इसे असत्व मन अद्रव्यम क्रिया गुण ये सब असत्व कोटि में आ जाता है इनके मत में। लिंग संज्ञान वे अनुपन्न इतः भावे औसर्गम एक वचन विधि एक वचनाम, क्योंकि सूत्र में भी भाष्यकार ने सूत्र को बदल दिए हैं पाणिनि सूत्र को। सूत्र आपका था द्वे कयोर द्विवचनिक वचने बहुशु बहुवचनम, उन्होंने कहा ठीक नहीं सूत्र, इस तरह से बहुत जगह गड़बड़ हो जाएगा, जहाँ एकत्व का बोध नहीं कराना है फिर पद साधुत्व सिद्धि करने के लिए हमें एक वचन तो लाना ही पड़ेगा, एकत्व संख्या नहीं है वहाँ, इन्हें एक वचन लाना जरूरी है, नहीं तो पद संज्ञा होकर उसका रूप ही नहीं बनेगा, साधु पद बनेगा नहीं। जैसे ये भाव भाव में प्रत्यय लाया, इसे संख्या है नहीं,
संज्ञान्वय नहीं होगा, आप एक वचन दूसरे वचन कोई प्रति नहीं ला सकते, सुमत्व में पदम प्रसंज्ञा नहीं होगा, उसका प्रयोग ही नहीं कर पाऊंगे, फिर भाव प्रत्यकरण व्यर्थ होंगे। तब उन्होंने कहा इसलिए उस सूत्र का द्वे कई और है ना, वहाँ उसको हटा दो, देकर को हटा दिया, निकाल दिया, द्विवचन एक वचन था सूत्र वो भी हटा दिया, वहाँ मैंने एक वचन इतना एक सूत्र एक वचनम इतना अलग सूत्र बना दो, एक वचनम, चाहे संख्या अन्वित हो चाहे संख्या अन्वित ना हो, सकल प्रकार के शब्दों से एक वचन जरूर आवन ही है, क्यों पद साधु सिद्ध्यर्थम। फिर दूसरा सूत्र बनाया गया, अलग सूत्र बनाते द्विभूषु द्विबहुवचने, अलग सूत्र बना दिया, द्वित विवक्षा हो तो द्विवचन होगा, बहुत विवक्षा हो बहुवचन होगा, यानी एक वचन एकत्विवक्षा में ही होता रहा, अब वह नियम खत्म हो गया कि एक वचन के लिए हमने विधान में कुछ नहीं कहा, एक वचन हो कब हो, एक संख्या ज्ञात हो तो ऐसा कुछ नहीं रहा ना, अब चाहे एक संख्या ज्ञात हो या अन्वित हो या ना हो, सर्व दशाओं में एक वचन आप कर सकते हैं। इसलिए भाष्यकार के सूत्र क्रमानुसारेण एक वचनम द्विभोषु द्विबहुवचने यदि सूत्र पाठम अभिगम्य द्वित्व बहुत्व भावे एक वचन मिति भाष्य सिद्धांता, इसलिए मैंने कहा जहाँ द्वित्व की विवक्षा नहीं है बहुत्व की विवक्षा नहीं है वह एक वचन होगा, और वह पद बोध्य पदार्थ में एकत्व संख्या अन्वित हो चाहे अन्वित न हो तो भी एक वचन होगा, बस द्वित्व विवक्षा नहीं होनी चाहिए, द्वित्व की विवक्षा नहीं होनी चाहिए, बहुत विवक्षा नहीं होनी चाहिए, बस इतने मात्र से एक वचन कर दिया जाए। क्लिबत्वं चेति एक श्रुति ही स्वर सर्वनाम लिंग सर्वनाम नपुंसकम इति दांडिनायन इति सूत्रस्थ भाष्यादित भाव, एक ही स्वर होगा, स्वर सर्वनाम एक श्रुति स्वर सर्वनाम होते हैं और लिंग सर्वनाम जो होते हैं नपुंसकम में ऐसे कहा है, उसके आधार पर सभी पद जिसका लिंग आपको मालूम नहीं है या आपके जो है श्रुतों से सिद्ध नहीं हो रहा है इसका कौन सा लिंग करके, उसको आप नपुंसकलिंग में चला दें, कोई दोष नहीं है। फिर वहां कर्मणि उदाहरति चेतवेति, उसके बाद वार्तिक आरंभ हो जाएगा। थोड़ा तत्वज्ञान देखिए नूल के विषय में, वो सुंदर कह रहे हैं, कृत्या पर पहले ले लो, अत्र प्रत्यय इत्यादिवत कृत्य इत्यधिकारेणापि इष्ट सिद्धे बहुवचनम अनुक्त प्रत्यय समुच्चयार्थम, कहते अत्र प्रत्यय इत्यादिवत कृत्य, जैसे प्रत्यय में था ना एक वचन था, प्रत्यय नहीं बोला वहाँ सूत्र, तो भी आपने बहुवचन भी उसको ले लेते हो द्विवचन भी ले लेते हो, जातो एक वचन कर दिया आपने, या कृत्य कहने से भी जातो एक वचन हो सकता था, क्यों बहुवचन किया पाणिनि जी ने, कहते अत्र प्रत्यय इत्यादि के समान यहाँ पर भी कृत्य इति अधिकारेणापि इष्ट सिद्ध है बहुवचनम अनुक्त प्रत्यय समुच्चयार्थम, जो बहुवचन किया गया है अनुक्त प्रत्ययों का भी समुच्चय करने के लिए है। तेना केलिमरादय ज्ञापक सिद्धा यदि नोपसंख्या इत्याहोह, इसलिए केलिमर आदि जो प्रत्यय होते हैं इसी से ज्ञापक सिद्ध हो गया, अलग से उनके उपसंख्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाता है। नूल प्राक में भी नूल त्रिचौ इतना प्राग इत्यर्थ, यह देखो कह रहे हैं नूल त्रिचौ हो गया 3133 रोगाख्यम नूल बहुड़म इति नावधि 3308, ये अवधि नहीं हमारा, क्यों भाई उसको अवधि नहीं बना रहे हो, तो अवधि कैसे हो रहा था व्याप्ति न्याय से, वह हमारा अवधि बन रहा था, अब उस व्याप्ति न्याय को भंग कौन कर रहा है, कहते प्रत्यासत्ति न्यायात, प्रत्यासत्ति न्याय या प्रथमोपस्थिति न्याय से हम क्या कर देते हैं व्याप्ति न्याय को बाद करके पहला जो प्राप्त हुआ उसी से हम जोड़ दिया, यहाँ पर अनंतर विधि नहीं है ना, यहाँ वो नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये है 3195 और वो है 3133, वो दूर है 38 सूत्र बाद है ना, उसका अनंतर में नहीं, दो तीन सूत्र आए पीछे हो तो ही अनंतर विधि लगता है, नहीं तो दूर नहीं लगता है, इसलिए न्याय लगाना पड़ता है। अवधि विशेष ज्ञापकंतु, अवधि विशेष में ज्ञापक कौन हुआ, प्रत्यासत्ति न्याय लगना चाहिए, व्याप्ति न्याय नहीं लागू करो यहाँ पे, ये कैसे पता चला, अरे कृत्य तृतीय इति कृत्यात् पृथक त्रिचो ग्रहणमेव, कृत्य शब्द से अलग से सूत्र में त्रिच ग्रहण किया ना, वो ज्ञापक है कि नूल त्रिचो है ना,
यदि ये भी अधिकार में आ जाता इस सूत्र में त्रिच ग्रहण करने जरूरत नहीं थी कि आगे तक हम चाह रहे हैं आगे के अंतर नूड़ के साथ त्रिश भी आ जाएगा। अगर नूड़ ही तक रुकना कर नूड़ के बाद जो प्रत्यय है वो ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसे मालूम होता है यही नूड़ हमारा अवधि है 133 वाला, कि उसके बाद आ रहा है त्रिच वो कृत्य से ग्रहण नहीं हो रहा था। अतिव आर्य कृत्य त्रिचश्च सूत्र में कृत्य से पृथक करके त्रिच को भी ग्रहण करना पड़ा। कृत्यात् पृथक त्रिचो ग्रहणम यो जो है ज्ञापकम न चैव त्रिचो अकृत्यत्वे अपि नूढ़ कृत्यत्वम दुर्वारम स्यात्। अगर त्रिच बले अकृत्य हो तो नूढ़ तो कृत्य हो ही गया। अधिष्ठापत्तो तो त्योर एव इति भाव कर्मण रेव नूल स्यात् न तो कर्त्री। लेकिन समस्या क्या होगी यदि आप नूल को अवधि बना लोगे नूल की भी आपने यदि कृत्य संज्ञा ही रख दोगे फिर नूल कर्त्री में नहीं हो पाएगा और नूल कर्त्री में नहीं हो तो कारक नहीं बनेगा। क्या पति दे रहा है पूर्व पक्षी यदि इष्टापति कहोगे तो त्योरे का भाव कर्म रेव नूल शान न तो कर्तरी इति न चवाच्यम भाष्य एव नूल कृत्यत्व आशंक्य योगापेक्षम ज्ञापकम इति सिद्धांत तत्वात्। कहते देखो भाष्यकार ने इस बात को स्वयं शंका उठा चुके हैं नूल जो है कृत्यत्व की आशंका कर दी और इसलिए हमारे यहाँ अवधि दो प्रकार से होती तेन विना तेन सह या नूल के बिना लेंगे तेन बिना अवधि हमारे यहाँ तेन सहा नहीं है। यह बात का निर्णय भाष्यकार ने इसी सूत्र पर दे चुके हैं। योगापेक्षम ज्ञापकमिति सिद्धांत तत्वात् वृत्तिकारस्तु सूत्र प्राग नूलह इति प्रचिक्षेप। और वृत्तिकार ने सूत्र में प्राग नूलक नूल से पूर्व तक नूल सहित नहीं नूल के पूर्व तक ऐसा कह दो तो नूल नहीं आया कृत संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे में प्राग शब्द अधिक ले लिए हैं वृत्तिकार। बस लौटिए वार्तिको में वशेस्तव्यत् कर्त्री निच्च वशेस्तव्यत् कर्त्री निच्च वश धातु से कर्त्री में तव्यत् प्रत्यय करो बोल दे वार्तिक का प्राप्त है केवल कर्म और भाव में बाद करके वार्तिक कर दे कर्त्री में कर दो इतना ही नहीं उसको नित्य भी कर दो ताकि वृद्धि हो जाए। इसलिए वसति इति वास्तव्य बना पुलिंग हो गया वास्तव्य ये भाव कर्म में होता तो नपुंसकलिंग हो जाता और कर्मणि में तो तीनों लिंग हो सकता था कर्मणि को कर्मभूत वस्तु के ऊपर निर्भर था। इन्हें भाव में ही कर रहे हैं तो ऐसे बात करके कर दे नहीं भाव में भी नहीं हो गया कर रहा हूँ कर्म में भी नहीं कर रहा हूँ किसमें कर रहा हूँ कर्तरी कि वार्तिकार ने कर्तरी में करो अन्य कर्म से क्या लाभ हुआ वृद्धि हो गई। वास्तव्य केलिमरोपसंख्यानम केलिमरोपसंख्यानम केलिमर प्रत्येक का भी संख्यान कर लेना चाहिए। पचेलिमा माशाह पक्तव्याह दोनों प्रयोग होगा तव्य भी हो गया और केलिमर भी हो गया। पचेलिमा उपसंख्यान करने बोल रहे हैं भारतीय पूर्व वाला है ना आ ही नहीं सकता देख रहे हैं ना 1919 है वार्तिक संख्या भले इन्होंने बाद में रख दिया लेकिन वो पहले था इसे कर्तरी की अनुवृत्ति नहीं आ सकती है पूर्व में है ना सूत्र वशेष तव्यत कर्तरी निच्च ये वार्तिक संख्या 1920 का है इसके पूर्व वाला है ना जब कर्तरी पूर्व में लाना होगा फिर तो सिंगावल कन्या लगानी पड़ जाएगी है ये नहीं वो नहीं है अनुवृत्ति आप प्रसिद्ध लेंगे तो 20 वाला 19 में नहीं आ सकता इसलिए कर्तरी में नहीं तो भाव कर्म ही रह जाए इसे ठीक है भाव कर्म हो रही है कर्म जो है ना माशाह पक्तव्या तवि प्रत्यय और एक बार केलिमर केलिमर में ककार रकार दोनों संज्ञा हो गया एलिमा बचा पच एलिमा पचेलिमा बना पचेलिमा माशाह ककार संज्ञा करने का लाभ क्या है कित करने का चाहे अन्य कोई धातु इकुपद वाला हो तो गुणादि नहीं होगा गुणाधिकारी नहीं होगा ये लाभ यहाँ लाभ नहीं पच में अन्यत्र लाभ नहीं और रेफ का तो अभी आपने पढ़ा था उपोत्तमम रति मध्योदात कर देगा लाभ मिलेगा। उपोत्तम माने मध्य का मतलब बिल्कुल मध्य भी नहीं होता है उपोत्तम का अर्थ होता है अंत के पूर्व वाला अंत के पूर्व वाला जो अच्छा होगा उसको ही उदात कर देता है। भिदे निमाह सरलाह भेतव्याह कर्मणि प्रत्यय ये दोनों ही कर्मणि में दृष्टांति था। सरलाह भिदे निमाह भेतव्याह सरला किसको कहते हैं
जो सीधे खड़े होते पेड़ को सरला बोलते हैं, सफेदा सफेदे का पेड़ नहीं, सफेदे का पेड़ में रूढ़ है ये यूकेलिप्टस। जैसे आते नहीं और भी होते सफेद सफेद खेती में लगाते हैं काटते हैं उसे, वो क्या बनते हैं आपके बहुत सारे काम के आता है, माचिस बनाने में कई चीज़ों में आता है, और जितने ये प्लाईवुड बनते हैं सब अधिकतर उसी की लकड़ी से बनते हैं, यूकेलिप्टस टाइप का ही वो एक क्वालिटी है, उसी को यहाँ पर प्रसिद्ध है सरला शब्द संस्कृत में वही पेड़ लेने का है। यहाँ देखो लाभ हो गया ना, कित का लाभ भी गुण नहीं हुआ, भिदेली माँ बना, नहीं तो भेदेली माँ बन जाता ना, भिदर धातु है लघुपद था प्राप्त था गुण और कित्वा जो है निषेध हो गया, काटने योग्य है ये सब वस्तु कर्मणी कर रहे ना, ये काटने योग्य पदार्थ है, भेदव्या भिदर में दोनों एक ही अर्थ है, कर्मणि प्रत्यय हुआ, प्रत्यकारस्तो कर्म कर्तरी चाहे मिशते इत्याह तद्भाष्य विरुद्धम, प्रत्येकार से कर्म कर्तरी में करना चाहिए ऐसे कह दिए हैं, लेकिन भाष्य विरुद्ध होने के नाते यहाँ और उठाकर विस्तार नहीं करेंगे। इसकी टीका देख लीजिए, वशिष्ठव्यत कर्तरी निश्चित वार्तिक, ये वार्तिकता वास्तव में वास्तव्य वस्तेरित्य वस्तेरित्यर्थ वस्तेरित्यर्थ होना चाहिए, री नहीं है यहाँ पर, वस्तेरित्यर्थ वस धातु से ऐसा कहना चाहिए, नित्यादुपदा वृद्धि हुआ केली मरे थी धातुरित्येव भाव कर्मणो रेव इदम, केली मरी ककार रे ककार रेफा वितौ, ककार रेफा एक रा होना चाहिए ना, एक बीच वाला एक और रा होना चाहिए, ककार रेफौ इतौ रेफा वितौ, हाँ ककार रेफा वितौ से रे के पहले रा लिख दो ना, एक ककार और रेफा वितौ, रे तो है ही है, रे से पहले एक रा घुसाना है, भिदेली माँ थी कित्तात नौ पदा गुण, हाँ देखो स्पष्ट कर दिए, सरला वृक्ष विशेषाह, कोई भी वृक्ष नहीं लेना, वृक्ष विशेष रूट कर देंगे इसको, तद्भाष्य भाष्ये भिदेली माँ इत्युदाहृत्य भेतव्य इत्येव विवरणाद इति भाव, अच्छा कर्म करते लेना चाहिए कहना उनका उचित नहीं, भाष्य विरुद्ध है वो,